दोस्तों यदि कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो कि आपके चेहरे को खूबसूरत बना दे, चेहरे से मुहासे एक्ने के दाग धब्बों को दूर करे, चेहरे पर यदि पिगमेंटेशन झाइयों की परेशानी है तो उसे भी दूर करे, और आपका जो उम्र का जो असर है दोस्तों, जो चेहरे पर दिखाई देने लगा है, उसे तेज़ी से कम कर दे, एजिंग के साइन को रिड्यूस करे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूं दोस्तों, जिसके एक या दो बार के इस्तेमाल से ही आप फ़र्क महसूस करेंगे। घर पर ही मिलने वाली इन चीज़ों से इस क्रीम को हम बनाने वाले हैं। इस क्रीम को आप अपने चेहरे पर लगाएं, आप अपने दोनों हाथों पर लगाएं, आप अपनी गर्दन पर लगाएं, आप देखेंगे जो हमारे हाथों में भी झुर्रियाँ आ जाती ना, चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं वो बिल्कुल ही दूर होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्चे आलू का। आलू को धो लें, धोने के बाद आलू का छिलका आपको उतार लेना है। आलू जो होता है दोस्तों हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, एक नेचुरल ब्लीच के जैसा काम करता है, रंग को गोरा करता है, हमारे चेहरे से दाग धब्बों को दूर करता है। साथ ही साथ आलू में जो स्टार्च होता है दोस्तों, वह हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी त्वचा में कसाव लाता है आलू का स्टार्च, और त्वचा को हेल्दी बनाने में आलू का रस एक रामबाण नुस्खा है। आलू में आयरन होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा आँखों के आसपास यदि कालेपन की समस्या है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो उसे भी दूर करता है पोटैटो जूस। और तो आलू का रस लगाने से हमारे चेहरे पर यदि पिगमेंटेशन है, झाइयों की परेशानी है, तो वह भी दूर होगी। कई बार हमारे चेहरे पर, गाल पर, माथे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन, उसे भी दूर करता है। एक रामबाण औषधि है हमारी त्वचा के लिए आलू का रस। ज़्यादातर हम सभी के घर पर होता है और सभी को आलू पसंद होता है। और उसके अलावा आलू जो होता है, आलू का रस एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट भी है चेहरे पर निखार लाने के लिए। तो आप चाहें तो आलू को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके अच्छा स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, और फिर आप चाहें तो छान कर आलू का रस निकाल सकते हैं, या मेरे जैसे इस तरह से आलू को कद्दूकस कर लें, ग्रेटर की मदद से आप लोग आलू को ग्रेट कर लें और आलू का रस निकाल सकते हैं। और ग्रेट करने के बाद इसे निचोड़ लेना, आप चाहें तो छन्नी से निचोड़ें या मेरे जैसे इस तरह से हाथ से भी आप इसे निचोड़ सकते हैं। ये देखिए कि एक आलू से हमने इतना सारा आलू का रस प्राप्त किया है। और जितना हो सके दोस्तों नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, लंबे समय तक आप लोग खूबसूरत रहेंगे। जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बच कर रहें, ताकि आपकी स्किन जो है वो लंबे समय तक हेल्दी बनी रहे। आलू के जो ये रेशे बचे हैं दोस्तों, आप इसे स्क्रब कर सकते हैं, उन रेशों को आप हाथों में लेकर मसाज कर सकते हैं, चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। आलू के जो रेशे हैं एक स्क्रब की तरह काम करेंगे। और हमें क्रीम के लिए इस्तेमाल करना है दोस्तों आलू के रस का। आप देखिए नीचे नीचे आलू का गाढ़ा रस स्टार्च नीचे बैठने लगा है, और पतला पतला आलू का जो जूस है वो ऊपर आ गया है कटोरी के। अब इसमें आपको मिलाना है दोस्तों एक चम्मच बादाम का तेल, या आप चाहें दोस्तों बादाम का तेल मिला सकते हैं, ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं, नहीं तो आप विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल भी मिला सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वैसे तो रंग को निखारने के लिए दोस्तों केसर बहुत अच्छा होता है, यदि केसर के दो तीन धागे हैं तो ज़रूर डालें, बहुत फ़ायदेमंद है, नहीं है तो चुटकी भर हल्दी डाल दें। कुछ बूंदें मैंने नींबू के रस की डाली, लेमन जूस डालने से जल्दी क्या बोलते हैं आलू का रस काला नहीं पड़ता है, और नींबू का रस तो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। इसके अलावा मैंने एक चम्मच इसमें नारियल का तेल डाला है। नारियल का तेल में कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। तो नींबू का रस डाला है, नींबू के रस की मैंने कुछ बूंदें डाली हैं, आधा नींबू का रस नहीं डाला है। और अब हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों एलोवेरा जेल। यदि आपके पास पौधा लगा है एलोवेरा का, तब तो आप ज़रूर एलोवेरा के पौधे में से जेल निकाल कर डालें। पौधा नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखें तो आलू का रस, हल्दी, लेमन जूस और बादाम रोगन ऑयल डालें, विटामिन ई ऑयल डालें, कोई भी एक तेल आपको इसमें मिलाना है, या फिर कुछ नहीं तो नारियल का तेल डाल दें आप। नारियल का तेल में भी बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल होते हैं दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है कोकोनट ऑयल में। तो एक चम्मच नारियल का तेल मैंने इसमें ऐड किया है,
और इस क्रीम को आप बनाकर एक सप्ताह का रखें, उससे ज़्यादा बनाकर ना रखें। इस क्रीम को आपको केवल फ्रीज में रखना है तो ही ख़राब नहीं होगी। तो इस बॉटल में मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, तो करीब करीब एक बॉटल भर कर मैंने इस क्रीम को तैयार किया है। इतनी पावरफुल है दोस्तों, फ्रीज में रखेंगे तो ये क्रीम काली नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने इसमें लेमन जूस इसीलिए डाला है। इसे आपको रात को सोते समय लगाना है, आप चाहें तो दिन में भी लगा सकते हैं, दिन में दो बार भी लगाएं आप इसे, और इस तरह से अपने हाथों पर हल्के हाथों से मालिश करके लगाएं। सबसे पहले दोस्तों हमारे हाथों पर ही रिंकल्स आते हैं, झुर्रियों की समस्या दूर होगी। पूरे चेहरे और गर्दन पर भी लगाएं, थोड़ा सा मालिश करते हुए, मसाज करते हुए लगाएं। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और इससे क्या होता है दोस्तों कि जो क्रीम है हमारी मसाज करने से अंदर जाती है, हमारे स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए मालिश करना, मसाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ये जो क्रीम है स्किन के अंदर तक जाए और इसका आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह से हाथों पर आप इसे लगा सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसे पूरे चेहरे पर भी मालिश करते हुए लगा सकते हैं। और बस आप इस डिब्बी को मैं फ्रीज में रखूँगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। केमिकल की चीज़ों से हमारा चेहरे में बहुत जल्दी कालापन आने लगता है। आलू का रस नेचुरल तरीके से हमारे रंग को गोरा करेगा। इसमें हमने एलोवेरा मिलाया है। एलोवेरा एक औषधि है, एक मेडिसिन है, साथ ही साथ एलोवेरा में विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है। एलोवेरा में हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के साथ ही साथ हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा ये क्रीम। तो आप देख सकते हैं इसी तरह की गाढ़ी क्रीम तैयार होना चाहिए आपकी। सारी चीज़ों को और अच्छे से आप मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा सा इस क्रीम को लेते जाना। 7 दिन के अंदर आपको इसका परिणाम दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएगा कि वाकई में ये क्रीम कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों इतनी पावरफुल रेमेडी आज आपके साथ शेयर की है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और इस क्रीम को आप लोग रेगुलर लगाएं। और साथ ही साथ दोस्तों इसे एक सप्ताह का ही बनाना है, बहुत ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है, ताकि नहीं तो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा बना के रखते हैं ना तो फ्रीज में रखने से भी स्मेल आ जाती है, इसलिए ज़्यादा ना बनाएं। हमने कोई भी तरह का इसमें केमिकल, कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, ये 100% वर्क करने वाली क्रीम है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो क्रीम है इसे आप अपने चेहरे पर भी लगाएं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि चेहरे पर आपको इस क्रीम को कैसे लगाना है। ये देखिए, इस तरह से मसाज करते हुए मेरी बेटी इस क्रीम को लगा रही है, हाथों पर भी, मतलब सभी एज ग्रुप वाले इस क्रीम को लगा सकते हैं। सनबर्न के निशान, जो टैनिंग हो जाती है धूप में जाने के कारण, वो टैनिंग भी दूर होगी। बड़े भी इसे ज़रूर लगाएं, चेहरे के पिगमेंटेशन झाइयाँ दूर होंगी, चेहरे की त्वचा पर कसाव आएगा। और दोनों हाथों पर लगाएं, आप अपनी गर्दन पर लगाएं और 100% रिजल्ट मिलेगा। रात भर लगा कर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।